भारतीय जनता पार्टी ने मोहन यादव को मध्य प्रदेश का नया सीएम बना दिया। विधायक दल की बैठक में सोमवार को इस पर मुहर भी लग गई। मोहन यादव उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से लगातार तीसरी बार विधायक बने हैं। मोहन के सीएम बनने के बाद उनके घर में जश्न का माहौल है। उनके पिता, बहन, पत्नी और परिवार के अन्य लोग बेहद खुश हैं। उनकी बहन ने कहा कि महाकाल का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है। मोहन ने काफी संघर्ष किया। वो 1984 से ही एबीवीपी भाजपा के लिए कार्य करते रहे हैं। मोहन की बहन के मुताबिक उनके मुख्यमंत्री बनाए जाने के पीछे उनकी मेहनत है, बड़ों का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है और भगवान महाकाल का आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है। मोहन यादव की बहन ने कहा कि वो जब भी उज्जैन में आते हैं बाबा महाकाल का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। मुख्यमंत्री चुने जाने से एक दिन पहले भी वो महाकाल का आशीर्वाद लेकर गए थे। उनकी बहन ने कहा कि उन्हें एक जिम्मेदारी दी गई है, भाजपा में बड़ी बात नहीं है बल्कि सीएम होने का मतलब भी कार्यकर्ता होना ही होता है। मोहन यादव की पत्नी ने भी अपने पति के मुख्यमंत्री बनने पर कहा कि खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, उन्हें पूरी तरह नहीं पता था लेकिन उनका नाम चल रहा है। उनकी पत्नी ने कहा कि भगवान ने मेहनत का ये फल दिया है। मोहन यादव के बुजुर्ग पिता भी अपने बेटे के सीएम बनने पर बेहद खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं खुद मोहन यादव भी मीडिया के सामने आए और उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अब तक सीएम रहे शिवराज सिंह चौहान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि केवल भाजपा ही है जो सामान्य और छोटे कार्यकर्ता को भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप देती है, यह पार्टी का चरित्र है। नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि जो विकास का कारवां शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ाया उसे हम आगे लेकर जाएंगे। इस दौरान उन्होंने चुनाव के दौरान लगे नारे एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि विकास के सपनों को लेकर हम आगे चलेंगे। मोहन यादव ने खुद भी कल्पना नहीं की थी कि पार्टी उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप देगी। जैसे ही पार्टी ने मुख्यमंत्री के लिए मोहन यादव के नाम पर सहमति जताई वैसे ही ना सिर्फ मोहन बल्कि उनके परिवार में भी खुशियां छा गई। उनकी बहन का कहना है कि ये कोई बड़ी बात नहीं बल्कि ये एक दायित्व है और मोहन यादव फिर भी एक कार्यकर्ता की तरह ही काम करेंगे। बहरहाल मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के बारे में आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।